सभापति महोदय जी, हमारे देश में राज्यों की रचना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी। तीन नए राज्यों का निर्माण हुआ था और उन तीन राज्यों के निर्माण में, चाहे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना हो, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना हो, बिहार में से झारखंड बना हो, लेकिन उस सरकार की दीर्घ दृष्टि थी कि कोई भी समस्या के बिना तीनों राज्य अलग होते ही अगर जो भी बंटवारा करना था बंटवारा, अफसरों के तबादले करने थे तो अफसरों के तबादले, सारी चीजें स्मूथली हुई, नेतृत्व अगर दीर्घदृष्टा हो, राजनीतिक स्वार्थ की हड़बड़ाहट में निर्णय नहीं होते हो, तो कितने स्वस्थ निर्णय होते हैं, इसका उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो तीन राज्यों का निर्माण किया था, आज देश अनुभव कर रहा है। आपके चरित्र में है, जब भारत का विभाजन किया आपने, देश के टुकड़े किए, और जो जहर बोया, आज आजादी के 70 साल के बाद एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपके उस पाप की सजा 125 करोड़ हिंदुस्तानी न भुगत। किए आपने चुनाव को ध्यान में रखते हुए हड़बड़ी में संसद के दरवाजे बंद करके, सदन ऑर्डर में नहीं था तब भी आंध्र के लोगों की भावनाओं का आदर किए बिना तेलंगाना बनाने के पक्ष में हम भी थे, तेलंगाना आगे बढ़े उसके पक्ष में आज भी हम हैं, लेकिन आंध्र के साथ उस दिन आपने जो बीज बोए, आपने जो चुनाव के लिए हड़बड़ी में किया, ये उसी का नतीजा है कि आज 4 साल के बाद भी समस्याएं सुलगती रहती हैं। और इसलिए ये प्रकार की चीजें शोभा नहीं देती। सभापति महोदय जी,